अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम साथ करेंगे क्लास सिक्स मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 2.4। तो ऑलरेडी हमने 2.3 तक अपलोड कर चुके, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, तो 2.4 के यहाँ देखिए वन क्वेश्चन है और इसमें और भी 8 क्वेश्चंस हैं, तो इनको सॉल्व करना। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप चाहे तो इन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो प्रॉपर्टी यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यूज़ करने से आपकी एक फ़ायदा होगी कि आपको रफ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए वन के ए के ए नंबर देखिए 9898 - 999 तो इज इक्वल टू, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 9898 जैसा वैसा माइनस है 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं। 1000 से 1 माइनस करने से 999 आएगा, तो इज इक्वल टू। आप देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो यहाँ अंदर की सारे के सारे साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 9898 देखिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1000। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 1 है, तो इज इक्वल टू आप इसके साथ 1 ऐड कर देना। तो 9898 प्लस 1 माइनस 1000, तो इज इक्वल टू इसके साथ 1 ऐड करने से 9899 हो जाएगी, और यहाँ माइनस 1000 इज इक्वल टू, अब इससे 1000 माइनस कर देना। तो 9899 से 1000 माइनस करने से 8899 हो गए, ठीक है। तो देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गए ना। नेक्स्ट टू नंबर देखिए 672 + 99, तो इज इक्वल टू 672 + 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 से 1 माइनस करने से 99 हो गए, तो इज इक्वल टू 672 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 100 प्लस माइनस माइनस 1। अच्छा, तो इज इक्वल टू 672, अब इस 1 को इस नंबर से माइनस कर देंगे तो 672 - 1 प्लस 100, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 672 - 1 671 होगी, और यहाँ प्लस 100 इज इक्वल टू 671 + 100 इक्वल टू 771 होगी। इजी ना, कितनी इजी हुआ भाई। अब नेक्स्ट देखिए 9 + 99 + 999, तो इज इक्वल टू 9 को पहले हम 10 - 1 लिखेंगे, प्लस है 99 को हम 100 - 1 लिखेंगे, प्लस फिर से 999 को हम 1000 - 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू आप ब्रैकेट ओपन कर देना 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1। तो यहाँ देखिए 10 + 100 + 1000 - -1 -1 - 1 3 - 1 है तो -3 हो गया। तो इज इक्वल टू 1110 है, माइनस 3 है, तो इज इक्वल टू इसे 3 माइनस करना तो 1107 हो गई। इजी हुआ ना, कितने इजी हुआ भाई। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 121 × 99, तो इज इक्वल टू 121 × 99 को हम 100 - 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 121 × 100 और 1 के साथ दोनों इंटू हो गए, 100 माइनस है बीच में, फिर से 121 × 1 है, तो इज इक्वल टू 121 × 100 मतलब 12100 माइनस 121 × 1 121 है, तो इज इक्वल टू अब देखिए इससे 121 माइनस कर देना, तो देखिए 1 2 1 0 0 121, तो देखिए यहाँ बरो करनी पड़ेगी
तो यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 1 9 है, तो यहाँ 9 है, 9 माइनस 2 7 है, और यहाँ 0 बचा, 0 0 बचा ना, तो यहाँ से 1 बड़ा करना, तो 10 हो गया, तो 10 माइनस 1 9 है, और यह 11 बचा, तो 11,979 है। तो इज इक्वल टू 11,979 है। देखिए कितनी इजी हुआ ना। अब नेक्स्ट देखिए, ये नंबर 125 इंटू 999, तो इज इक्वल टू 125 इंटू 999 को हम 1000 माइनस 1 ऐसे ही लिखते हैं, तो इज इक्वल टू 125 इंटू 1000 माइनस 1025 इंटू 1, तो इज इक्वल टू, इसके साथ 1000 इंटू करने से 125 और 1000 की 3 जीरो लग जाएंगे, माइनस इसको 1 से इंटू करने से सेम वही 1025 होगी, इज इक्वल टू। अब देखिए इससे 125 माइनस करना, तो देखिए यहाँ 0 है, तो 10 माइनस 5 5 है, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 2 7 है, और यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 1 8 है, यहाँ तो 4 बचा ना, तो 4 है, 2 है, 1 है, तो 1,24,875 हुआ। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, 212 इंटू 199, तो इज इक्वल टू 212 इंटू 199 को हम 200 माइनस 1 ऐसे ही लिखते हैं, तो इज इक्वल टू 212 इंटू 200 माइनस है, फिर से 212 इंटू 1, तो 212 से 202 इंटू करना, तो लास्ट में तो 2 जीरो आएंगे ना, 2 जीरो, 2 2 जर 4 है, 2 1 जर 2 है, 2 2 जर फिर से 4 है, अच्छा माइनस इसको 1 से इंटू करने से सेम 212 होगी, तो इज इक्वल टू, अब इससे 212 माइनस करना, तो यहाँ 0 तो छोटा है ना, तो 1 बड़ा करना, 10 हो गया, 10 माइनस 2 8 है, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 1 8 है, अच्छा यहाँ अब 3 बचा, 3 माइनस 2 1 है, अच्छा यहाँ 2 और ये 4 जैसा है ऐसा, तो 42,188 है आंसर। अब नेक्स्ट देखिए जी नंबर 664 इंटू 125, तो इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ढंग से लिखेंगे 664 जैसा वैसा इंटू 125 को हम 1000 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 क्यों 8 से डिवाइड देने से 125 आएगा, तो इज इक्वल टू 664 इंटू 1000, ये देखिए 1000 ऊपर की है, तो 664 और 1000 की 3 जीरो डिवाइडेड बाय नीचे 8 है, अब 8 से इसको डिवाइड देना, तो देखिए 8 8 जार 64, 2 बजा 24 हुआ, तो 8 3 जार 24, तो यानी कि 8 83 जार 664, और 3 जीरो है ना लास्ट में पुट कर देना, तो देखिए 83 000 है, 83,000 है, कितनी इजीली सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट एच नंबर देखिए 3,300 इंटू 25, तो इज इक्वल टू 3,300 जैसा है वैसा इंटू 25 को हम 100 बाय 4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड करने से 25 आएगी, अच्छा तो इज इक्वल टू, अब देखिए 100 से इसको इंटू कर देना, 100 ऊपर की नंबर है, ये भी ऊपर की है, तो 3 3 0 0 और 100 की 2 जीरो है, 1 2 है, डिवाइडेड बाय यहाँ 4 है, ठीक है, अब देखिए 4 से इसको डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू देखिए 4 8 जार 32, 1 बचा, थोड़ा सा यहाँ रफ कर लेना, 4 से 3 3 0 0 0 0 है, तो 4 8 जार 32 है, तो 33 माइनस 32 1 है, अब इस 0 को डाउन कर लेना, अच्छा और एक 0 डाउन कर लेना, तो 4 25 जार 100, अच्छा यहाँ 2 जीरो लाया ना, अब 2 जीरो बाकी है, तो यहाँ क्वेश्चन में लगा देना, तो 82,500 है, 82,500 आंसर है, कितनी इजी ना भाई, कितनी इजी है।
तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।